माता मरिया को समर्पित मई महीने के 19वें दिन हम देखते हैं कलवारी के मार्ग पर यीशु से मरिया की भेंट। मानव मुक्ति योजना की पूर्णता का समय आ पहुंचा। प्रभु यीशु को मृत्युदंड देने में विलंब ना रहा, वह इसके लिए स्वेच्छा से पहले ही तैयार था। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने दुख भोग की तीसरी भविष्यवाणी द्वारा 12 शिष्यों को अलग ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं, मानव पुत्र के विषय में नबियों ने जो कुछ लिखा है वह सब पूरा होने वाला है। वह गैर यहूदियों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसका उपहास करेंगे, उस पर अत्याचार करेंगे और उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। ये सब बातें सच निकली। अब सबसे बड़ी घटना शेष थी, क्रूस पर मृत्यु का बलिदान। शुक्रवार का दिन था, प्रभु यीशु के कंधे पर एक भारी क्रूस रखा गया। उनके साथ 2 कुकर्मियों को भी प्राणदंड के लिए ले जा रहे थे। भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ मन ही मन सोच रही थी कि यह क्या हो गया, इतने बड़े महात्मा को मृत्युदंड का अपराधी कैसे घोषित किया गया, उसे घोर पापी क्यों और कैसे ठहराया गया। जिसने मुर्दों को जिलाया वह स्वयं मृत्युदंड क्यों भोगेगा, वह जरूर कोई चमत्कार करेगा। प्रभु यीशु क्रूस उठाए चला जा रहा था। पिछली रात को भयंकर सतावट के कारण उसका शरीर थक कर चूर चूर हो गया था। क्षण प्रति क्षण पीड़ा, भूख, प्यास, व्याकुलता एवं शारीरिक दुर्बलता बढ़ती जाती थी। वह बड़ी कठिनाई से क्रूस लेकर अपनी यात्रा पूरी कर पा रहा था। अब आगे बढ़ना उसके लिए असंभव सा लग रहा था। निर्बलता, थकावट और क्रूस के बोझ के कारण वह चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर भी उसे आगे बढ़ना ही पड़ा। राह में उसे आभास हुआ कि उसकी दुखित माता उससे भेंट करने आई है। उसने अपनी माता की ओर दृष्टि फेरी। माता की आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार सी थी जो उनके प्रेम में हृदय को छेद रही थी। नबी सिमियोन ने यह भविष्यवाणी की थी, देखिए इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा, यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। सिमियोन की भविष्यवाणी भी पूरी हुई। प्रभु यीशु पर ढाए जा रहे अमानवीय यातनाओं को उसने चुप रहकर सहा। इसे देखकर माता मरिया को जो मानसिक एवं आत्मीय पीड़ा हुई वह हमारी समझ से परे ही रहेगा। कोई भी लेखक, कवि या वक्ता सही रूप में इसका वर्णन कभी नहीं कर पाएगा। माता मरिया ने इस दुखद परिस्थिति में भी बड़े साहस एवं सहानुभूति का परिचय दिया। इस दुखद परिस्थिति से प्रेरणा लेकर यीशु की दुखद स्थिति पर ध्यान दें और चिंतन करें।
मसीह के कष्ट हमें सांत्वना प्रदान करेंगे। अतः सच्चा पश्चाताप करें, हमें धैर्य एवं साहस प्राप्त होगा, अपने पापों की क्षमा मिलेगी। यदि हम प्रभुवर यीशु के साथ दुख उठाएंगे तो हम अवश्य उनकी महिमा में प्रवेश करेंगे। आइए इसी पर आधारित एक घटना पर हम दृष्टि डालते हैं। गैब्रियल पोसेंती का जन्म 1 मार्च 1838 में हुआ था। वह अपने 13 भाई बहनों में 11वां बालक था। उसका पालन पोषण एक धर्मी तथा संपन्न परिवार में हुआ था। वह सांसारिक भोग विलास में लिप्त रहता था। इसी कारण जब उसने अपनी इच्छा प्रकट की कि वह अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात पेशनिस्ट धर्म समाज में ईश्वर एवं मानव समाज की सेवा हेतु प्रवेश करेगा, तो उसके साथियों तथा गुरुजनों को उनके इस कथन पर विश्वास नहीं हुआ। परंतु जब उसकी शिक्षा समाप्त हुई तो उसका कथन सत्य सिद्ध हुआ। उसने बाल्यावस्था से ही एक अच्छी आदत अपना ली थी। वह प्रतिदिन यीशु और मरिया के दुख कष्टों पर मनन चिंतन किया करता था। यही कारण था कि वह धार्मिक जीवन में भी रुचि लेता था। अपने कथन को पूर्ण करने हेतु उसने पैशनिस्ट समाज में प्रवेश किया ताकि वह ईश्वर एवं मानव की सेवा कर सके। अब वह अपने अतीत की याद करते हुए पश्चाताप करने लगा तथा अपना जीवन प्रभु के प्रेम में व्यतीत करता था। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वह बात का धनी और न्यायी है। वह हमारे पापों की क्षमा करता और सब अधर्मों से हमें मुक्त करता है। गैब्रियल अपनी धर्म शिक्षा समाप्त कर रहा था। वह अचानक क्षय रोग का शिकार हो गया तथा 23 वर्ष की अवस्था में ही स्वर्ग सिधार गया। हम अभ्यास करें यीशु और मरिया के दुखों पर सदैव मनन चिंतन करें। मसीह के कष्ट हमें दुख और कठिनाइयों के समय धैर्य एवं सांत्वना प्रदान करेंगे। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, तुझ पर ढाए जा रहे अमानवीय यातनाओं को तूने चुप रहकर सहा। इसे देखकर माता मरिया को जो मानसिक एवं आत्मिक पीड़ा हुई वह हमारी समझ से परे ही रहेगा। निसंदेह माता मरिया शहीदों की महारानी है। प्रभु यीशु हमें यह वर दे कि माता मरिया की इस पीड़ा को सही रूप में समझ पाए। जिस प्रकार माता मरिया ने तेरे शारीरिक मानसिक एवं आत्मिक पीड़ाओं में तेरा साथ दिया और हिस्सा लिया, ठीक उसी प्रकार हम भी करते रहने की कृपा प्रदान कर। आलस्य, अनिच्छा, मन तथा इंद्रियों की खुशी की चाहत से हमें मुक्त कर। हे माता मरिया, हमें सहायता दे कि प्रभु यीशु हमसे जो चाहता है और कहता है उसे हम तत्परता एवं ईमानदारी से पूरा कर सकें। आमीन। आशीष देना ओ माँ मरिया, 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 तेरे हवाले सारी राह है। आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया,
आशीष देना ओ मरिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु, हम अपने को और हमारे सभी प्रिय जनों को, विशेषकर जिनके लिए इन वेदों को चढ़ा रहे हैं, तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। माता मरियम और असंख्य दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरे प्रेम में इन वेदों पर मनन चिंतन और प्रार्थना करने की कृपा हमें प्रदान कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता ईश्वर की प्रिय पुत्री माता मरियम, विश्वास का गुण हमारे अंदर फलवत होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पुत्र यीशु क्रिस्त की प्रिय माँ, भरोसा का गुण हमारे अंदर प्रबल होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पवित्र आत्मा ईश्वर की प्रियतम कुआरी मरियम, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश प्रेम हमारे हृदय में उमड़ने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धन्य सार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुआरी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारी मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। महिमा के भेद। पहला भेद, प्रभु येसु मृतकों में से जी उठते हैं। चिंतन। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन पौ पड़ते ही नारियां ईसा के शरीर को सुगंधित द्रव्य से लेपन करने के लिए कब्र के पास पहुंची। उन्होंने पत्थर को कब्र से अलग लुढ़काया हुआ और खाली कब्र को पाया। तब स्वर्गदूत ने उन्हें दर्शन में कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हैं? वे जी उठे हैं। बाद में यीशु ने मरियम मगदलीना, प्रेरितों एवं अन्य अनेकों लोगों को दर्शन देकर उनके जी उठने का प्रमाण दिया। प्रार्थना। हे जीवन के स्रोत प्रभु यीशु, तीसरे दिन मृतकों में से पुनः जीवित होकर तूने मृत्यु और उस पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त कर दिया है। हमारे परिवार के सभी मृत विश्वासियों की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। दूसरा भेद, प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण। चिंतन, प्रभु यीशु ने जी उठने के बाद अपने प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित हैं। वह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते थे। इसके बाद यीशु उन्हें बथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। तब एक स्वर्गदूत ने उनके पास आकर कहा, वही प्रभु यीशु जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है मैं पिता के यहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें वहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। हे प्रभु, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जी सकें। शोधाग्नि की सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए इस प्रार्थना को समर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए,
अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा दीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। तीसरा भेद, पवित्र आत्मा ईश्वर प्रेरितों पर उतरते हैं। चिंतन, प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के 9 दिनों के बाद जब पंतकोस्त का दिन आया और जब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। उन्हें सुनने वाले सब लोग बड़े अचंभे में पड़कर चकित रह गए। प्रार्थना। हे प्रभु, जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है और पवित्र आत्मा के फलों और वरदानों के लिए प्यासी है। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए ताकि हम तेरे गवाह बने। सभी सुसमाचार के सेवकों और साधना केंद्रों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा दीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा ली जाती है। चिंतन, प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद उनकी इच्छा अनुसार उनके प्रिय शिष्य योहन ने माता मरियम को अपने यहां आश्रय दिया। वह यरूशलेम व एफेसुस में रहकर सुसमाचार का साक्षी बनी। पिता ईश्वर ने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के समान सह मुक्तिदायिका मरियम को भी उनके इस संसार के जीवन के अंत में शरीर के साथ स्वर्ग में उठा लिया। प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है, तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा मरियम दिखाई पड़ी। प्रार्थना, हे प्यारी मां, तू ईश्वर के शब्द प्रभु यीशु को अपने हृदय एवं कोख में वहन करने वाली नए विधान की मंजूषा है। तूने प्रभु के योग्य निष्कलंक एवं विश्वास जीवन बिताया, इसलिए पिता ने प्रभु यीशु के समान तुझे कब्र में गलने नहीं दिया। हे प्रभु, हम सब लोगों के शरीर मन आत्मा की पवित्रता के लिए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। पांचवां भेद, मां मरियम को स्वर्ग में रानी का मुकुट पहनाया जाता है। चिंतन, प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है, आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी, उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। प्रार्थना, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने, तेरी स्तुति, आराधना, महिमा और धन्यवाद अनंत काल तक होवे। हे प्रभु, तू मुक्तिदाता आदम और मरियम सह मुक्तिदायी का हेवा है, तू संसार का राजा और मरियम रानी। हम संसार में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि देश देश के बीच और सब धर्म के लोगों के बीच तेरा राज्य आवे। हमारे राष्ट्र के नेताओं और धर्मगुरुओं, अधिकारियों आदि के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे भ्रष्टाचार से दूर रहकर देश में ईश राज्य की स्थापना कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है,
धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। प्रणाम रानी, प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा तुझे प्रणाम। हम हेवा की निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं, हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे मधुर कुमारी मरिया, आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे इकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान से हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया है। हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुंवारी मरियम की अति पवित्र माला के इन भेदों पर मनन करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं, हम उनका अनुकरण करें और जिनकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें।
उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। अपने हाथों को जोड़कर अपने आंखें बंद करके हम कुंवारी मरियम की स्तुति विनती में सहभागी हो गए। प्रशंसा की योग्य मां,
स्वयं माता भक्तों के लिए। शक्तिमान कुवारी माँ, विनती करो माँ, आदर योग्य कुवारी माँ, विनती करो माँ, करो माँ। नियम की ही मंजूषा, विनती करो माँ, विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। भक्ति के ही उत्तम पात्र, विनती करो माँ, प्रज्ञा के सिंहासन माँ, विनती करो माँ, करो माँ, न्याय दिलाई प्रेमी माँ, विनती करो माँ, विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो हे मरियम माता के लिए। स्वर्ग का तू द्वार माँ, विनती करो माँ, सुनहरे रंगों की माँ, विनती करो माँ, प्रभात के मंगल तारे, विनती करो माँ, विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। करो माँ, धर्म पुरखों की रानी, विनती करो माँ, तीर्थों की रानी, विनती करो माँ, लहू गवाहों की रानी, विनती करो माँ, विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। धर्म गवाहों की रानी, विनती करो माँ, कुवारियों की रानी तू, विनती करो माँ, विनती करो माँ, पावन माला की रानी, विनती करो माँ, जग में शांति की रानी, विनती करो माँ, विनती करो हे।
सब माता भक्तों के लिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, क्षमा करो हे प्रभु हम पर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता प्रभु हमारी विनती सुन। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, दया करो हे प्रभु हम पर। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु ईश्वर, कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर आनंद सुख भोगने दे। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। याद कर विनती, याद कर हे परम दयालु कुंवारी मरियम, कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और कराहते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे क्रिस्त की माँ, मेरी विनती को अस्वीकार मत कर, पर दया से उसको सुन और पूरा कर, आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया, वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे, आमीन। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहे, आमीन। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज पवित्र रोजरी विंदी किए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे, आमीन। तुम्हारा हो मां आशीष देता सदा से, आक्षेप हमको रखना आशीष देना सदा ही, आक्षेप तुम्हारा हो मां। बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, सबको तो देती साया सबको तो देती छाया, आज तुम्हारा हूँ मां।
आशीष देता सदा से, आचरी में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आचरी तुम्हारा हमारा। माता मरिया हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते, जग की जननी हे माता मरिया हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते, तू ही बनी इश माता, अबरी भी तू है माता, तुम्हारा हमारा आशीष देता सदा से, आक्षण हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आचरी तुम्हारा हमारा, आचरी तुम्हारा हमारा, तुम्हारा तुम्हारा।